नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं एक क्रेन का लोड चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और समझेंगे कि लोड चार्ट क्या होता है और लोड चार्ट को कैसे देखें और हमें लोड चार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोड चार्ट होता क्या है। तो लोड चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, या कहें तो एक टेबल फॉर्मेट है जिसमें हमें दो वैल्यू मालूम हो तो हम तीसरी वैल्यू यानी कि लोड कैपेसिटी निकालते हैं उस रेडियस पे और उस बूम लेंथ पे। टोटल थ्री पॉइंट्स होते हैं इसमें, यानी कि एक तो रेडियस यानी कि लोड का डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेन, और एक होता है उसकी हाइट। अगर ये दो मालूम हो तो तीसरा अपने आप निकल जाता है, जैसे कि बूम लेंथ। तो अगर तीनों में से कोई एक मालूम हो तो आप आसानी से उस पोजीशन पे क्रेन की लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो लोड चार्ट केवल ये नहीं है कि उस क्रेन की केवल कैपेसिटी ही मालूम होगी, बट लोड चार्ट में आपको क्रेन के बारे में हर एक चीज़ मालूम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि क्रेन के लोड चार्ट में केवल क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में ही नहीं बताया जाता है, बट उसमें आप जैसा कि देख रहे हैं इन सारे पॉइंट लगभग उस पर डिस्कस होते हैं, यानी कि क्रेन का डायमेंशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लान, बूम जीव कॉम्बिनेशन, उसके बाद उसका वेट यानी कि डिफरेंट हुक्स पे, वर्किंग स्पीड, स्विंग स्पीड, बूम एक्सटेंशन स्पीड, बूम अप एंड डाउन स्पीड, ये सब सारी जानकारियाँ उसमें रहता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी वो तो होता ही है जिसको लोड चार्ट हम बोलते हैं जनरली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंबल्स यानी क्रेन उस लोड चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं हुए हैं उसके बारे में उसमें जानकारी रहेंगी, और साथ में रिमार्क्स यानी कि किस बेसिस पे क्रेन को बनाया गया है। तो आइए एक एक करके सबको हम देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट है डायमेंशन, यानी कि क्रेन की लंबाई, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, ये सारा चीज़ उस क्रेन के लोड चार्ट में दिया रहता है। ये जनरली फर्स्ट में ही होता है। यह जिसका डायमेंशन देख रहे हैं वो है क्रेन LMT 1500 8.1, जिसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 500 टन, और टेलीस्कोपिक बूम 84 मीटर का है, मैक्सिमम होइस्ट हाइट है 142 मीटर, मैक्सिमम रेडियस है 108 मीटर, और नंबर ऑफ एक्सल्स हैं 8। तो ये क्रेन की डायमेंशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये उसका टॉप व्यू है, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है। आउट ट्रिगर निकालने के बाद उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी कि आप जहां भी क्रेन को साइट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेन कितना स्पेस लेगा। क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं चलेगा, क्रेन अगर आपने हायर कर लिया आपके साइट पर आ गया, तो आप उस क्रेन को फिर वापस करने में काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे, समय की भी बर्बादी होगी। इसीलिए पहले लोड चार्ट को रीड कर लेना चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि उसका क्या डायमेंशन है। उसके सारे लगभग डायमेंशन जो है दिए रहते हैं, और हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपके अगर साइट पे आने के लिए ये लंबी क्रेन है तो सड़क जो है मुड़ावदार रहता है कई जगहों पर, तो उस क्रेन को अगर वहाँ पर टर्न लेना है तो मैक्स जो है आपको कितना रेडियस का वो मोड़ होना चाहिए, यानी कि कर्व का जो है वो रेडियस होता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इतना जो है 23 फीट 5 इंच का इसका रेडियस है। अगर ये रेडियस नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि रेडियस दिया गया है, तो ये रेडियस अगर नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो वो क्रेन वहाँ नहीं मुड़ेगा और वो क्रेन फंस जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्रेन को साइट करने से पहले आप पहले लोड चार्ट को पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। उसके बाद उसमें कितने काउंटर वेट होंगे, कितने टन का काउंटर वेट होगा, वो भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ होगा, जिससे मालूम चलेगा कि उसके कितने काउंटर वेट हैं और आपका लोड कितना है, उस लोड के अनुसार आपको कितने काउंटर वेट की आवश्यकता है,
या आपको फुल कैपेसिटी में उसको यूज़ करना है, यानी टोटल काउंटर वेट यूज़ करके ही आपको क्रेन यूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। उसके बाद उसका वर्किंग स्पीड भी दिया हुआ है, यानी कि इसमें कितने गियर्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें 12 गियर्स हैं, रिवर्स के 2 गियर हैं। यह 360 रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी कि पूरा एक बार स्विंग होने में, ये आपको 0 to 1 राउंड पर मिनट लेता है। और उसके बाद जो है, अगर ये बूम 83 डिग्री पर ले जाना है तो इसको टाइम लगता है आपको 70 सेकेंड्स। और अगर बूम को पूरी तरह से बाहर निकालना है तो ये आपको लगभग 330 से 750 सेकेंड्स लगेंगे। इसमें कितने जीब्स हैं और इसके क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिया गया है, यानी कि फर्स्ट जो जीब का कॉम्बिनेशन है उसमें N69 है, जिसका लंबाई 69 फीट है, N है 92 फीट का है। तो ये जीब का कॉम्बिनेशन दिया गया है कि आपको कितने ऊंचाई पे लोड उठाना है, उसके अनुसार यहाँ पे जीब की ऊंचाई दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल बूम लगा हुआ है, यहाँ पे जीप्स लगे हुए हैं, यानी कि ये क्रेन केवल बूम पे ही नहीं, इसमें आपको घाई सिस्टम भी है, फिक्स लैटिस जीप भी लगेंगे, हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल लैटिस जीप भी लगेंगे, लफिंग फ्लाई भी लगेंगे, टेलीस्कोपिंग बूम एक्सटेंशन भी है, इसेंट्रिक है, सेपर्स है, यानी कि आपको जितना हाइट करना है उतना आप एक्सटेंशन लीजिए, इसमें लगाइए, यानी कि जीप्स को लगाइए। और जैसे जैसे आप इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे ना, तो लोड चार्ट में वैसे वैसे आपको अलग अलग लोड चार्ट देखने पड़ेंगे। जिस कॉम्बिनेशन का जीप यूज़ करेंगे वह वाला पेज आपको देखना पड़ेगा। लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने से पहले मैं इसमें यूज़ होने वाले सिंबल के बारे में बता दूँ और इसके रिमार्क्स बता दूँ, क्योंकि जब तक ये दोनों आप नहीं समझेंगे ना, आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी समझने में, यानी कि लोड चार्ट को समझने में आपको काफ़ी दिक्कत होंगी। तो आइए पहले इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला सिंबल है आउट रिगर्स, यानी कि ये जहाँ पे सिंबल है इसका मतलब ये है कि आपको क्रेन का आउट रिगर पूरा पूरा एक्सटेंड कर देना है, पूरा निकाल देना है। ये जहाँ पे ऑप्शन है इसका मतलब कि एक्सल पे कितना लोड है, उसी प्रकार ये सिंबल जहाँ पे है इसका मतलब है कि रेडियस, यानी कि क्रेन के सेंटर से है, जहाँ से क्रेन के सेंटर से लोड की दूरी। ये जहाँ पे है इसका मतलब है कि बूम लेंथ यहाँ पे कितना है। ये जहाँ पे है इसका मतलब ये है कि इसकी ड्राइविंग की स्पीड क्या होगी, यानी कि माइल पर आवर में। उसके बाद गियर का ये है, यानी कौन सा गियर यूज़ करना है। उसके बाद हुक ब्लॉक, या इसको कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। होइस्ट गियर इस तरह से होता है। क्रेन कैरियर का सिंबल ये है। बूम पोजीशन का सिंबल ये है, यानी कि बूम अप एंड डाउन करना है। काउंटर वेट, यानी कि कितने काउंटर वेट रहेंगे, 23 टन 40 टन जितने होंगे यहाँ पे लिखा रहेगा, उसका सिंबल ये है। उसके बाद क्रेन सुपर स्ट्रक्चर का सिंबल ये है। टायर का सिंबल ये है। और स्टैंडर्ड, यानी कि ये 85% कैपेसिटी पे इसको लोड चार्ट को बनाया गया है। और यहाँ पे है स्विंग गियर, यानी कि कितना स्विंग करना है, जैसे 360 लिखना है यानी कि 360 पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पे कितना ग्रेड होना चाहिए, यानी कि 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसा मेंशन रहेगा। क्रेन का कुछ स्पेसिफिक सिंबल भी है, जैसे कि टेलीस्कोपिक बूम का मतलब ऐसा रहेगा, यानी टेलीस्कोपिक बूम पे इसको उठाया जा रहा है। ये क्रेन टू क्रेन वेरी करेगा, यानी कि जहाँ जैसा, जिस क्रेन में अगर इस तरह का जीप नहीं लगेगा, अगर इस क्रेन में इस तरह का जीप का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये सिंबल नहीं रहेंगे उस लोड चार्ट में। यहाँ पे मैं 500 टन क्रेन का लोड चार्ट दिखा रहा हूँ, यानी कि इसमें बहुत सारा चीज़ है, आपको लगभग इससे कम ही मिलेगा दूसरे लोड चार्ट में, अगर कम कैपेसिटी का आप देखते हैं तो लगभग इसमें सारे चीज़ डिस्कस हो जाएगा। टेलीस्कोपिक बूम एक्सटेंशन, यानी कि इस तरह का होता है सिंबल, यानी कि बूम तो है साथ में इसके ऊपर एक्सटेंसर भी लगा हुआ है। उसके बाद इस तरह का
घाई सिस्टम टेलीस्कोपिक बूम है, तो अगर घाई सिस्टम लगा हुआ है तो लोड कैपेसिटी अलग होगी, बढ़ जाएगी, है ना। उसी प्रकार हाइड्रोलिक लैटिस जीव लगेगा उसके ऊपर, यानी कि कुछ और बड़ा करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इस पर जीव लगे हुए हैं और लोड चार्ट हो हम उसके ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह का अगर है, मतलब कि उसमें इसेंट्रिक लगे हुए हैं, और ये है लफिंग फ्लाई जीव, इस तरह का जो है उसको लफिंग फ्लाई जीव बोलते हैं। और उसके बाद स्पेसर, बीच में स्पेसर दिए हुए हैं, तो इस तरह का सिंबल है। फिक्स्ड लैटिस जीव लगे हुए हैं, तो इस तरह का सिंबल होगा। तो ये इस क्रेन में पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, बट अगर क्रेन चाहें तो दूसरे तरह का सिंबल भी यूज कर सकता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर दूसरे तरह का सिंबल यूज कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप लोड चार्ट के रिमार्क्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस लोड चार्ट को समझने में आपको मुश्किल होगी। तो इसमें लोड चार्ट में जो भी लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है, जो टेबल में टेबुलेटेड किया गया है, वह 85% ऑफ द ट्रिपिंग लोड है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर कोई क्रेन 100 टन लोड पे अगर पलट जाती है ना, ट्रिपिंग लोड इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 100 टन नहीं लिया गया है। यानी कि आप 100 टन है और 100 टन कैपेसिटी पे अगर काम करेंगे तो कभी भी पलट सकता है, कोई डायनेमिक लोड आ सकता है उसके ऊपर, है ना, हवा का झोंका या कुछ शॉक आ सकता है तो पलट जाएगा। इसीलिए कोई भी क्रेन उसको 100% कैपेसिटी पे नहीं उठाया जाता है, उसको लोड लिफ्टिंग चार्ट 100% कैपेसिटी पे नहीं दिखाया जाता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया 85% पे। यानी कि अगर कहीं 85 टन कैपेसिटी है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये 100 टन भी उठा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्रेन का स्ट्रक्चर और स्टील वर्क जो बनाया गया है वो DIN 15018 के ऊपर है। ये एक क्या है ना, जर्मन स्टैंडर्ड है, और जर्मन स्टैंडर्ड में बताया गया है कि किसी चीज़ को, क्रेन के स्टील को, जैसे कि आप देखे होंगे इंडिया में IS कोड चलता है, उसी प्रकार जर्मन टेक्नोलॉजी में DIN स्टैंडर्ड चलता है, उसके ऊपर ये सारे क्रेन बने हुए हैं और उसकी टेस्टिंग हुई है। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो ये वाला स्टैंडर्ड आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ मालूम चल जाएगा क्रेन के बारे में। उसके बाद 85% ओवर टर्निंग लिमिट वैल्यू पे इसको तो बनाया गया है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन साथ में आप जानते हैं कि जहाँ भी अगर काम करेंगे तो हवा का बहना आप रोक नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ हवा रहेगा, तो वहाँ पे केवल 0 mph एयर के स्पीड पे नहीं बनाया गया है, इसको एक नॉर्मल स्पीड लिया गया है जिसमें कि कंसिडर किया गया है 20 mph। 20 माइल अगर बोले तो लगभग 32 km/h हो जाता है, यानी कि इतना हवा चलेगा तो इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये बनाया गया है क्रेन, तो जब ये टेस्ट किया गया है तो उस समय 32 km/h की विंड स्पीड को कंसीडर किया गया है, यानी कि इतना तक रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। जब इसके ऊपर जाएगा तब जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तब आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी और डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज काम को रोकना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं जो कि आपको लोड चार्ट यानी कि लोड कैपेसिटी देखने से पहले आपको ये रिमार्क ही पता होना चाहिए कि ये किस कौन सा स्टैंडर्ड पे बना है और इसकी कैपेसिटी किस तरह से कंसिडर की गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक क्रेन है और इस क्रेन पे यहाँ तक इसका बूम है, लेकिन एक्स्ट्रा हाइट के लिए इसमें जीब्स लगे हुए हैं और ये अलग अलग सेक्शन में है, तो जितना आपको हाइट चाहिए उसके अनुसार आप इसमें ऐड करते जाइए और इसकी हाइट बढ़ाते जाइए। तो अगर आप इसका लोड लिफ्टिंग चार्ट देखेंगे तो आपको पहला जो है आपको बूम पर कितना उठाएगा, फिर जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग पेज में इसकी कैपेसिटी दिखाया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सारे एक्सटेंशन लगे हुए हैं, यानी कि उसमें कि TN लगे हुए हैं, TVN, अलग अलग इसके जीप्स के नाम दिए गए हैं। तो जिस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा उसके अनुसार वहाँ पर
लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी। अब आइए देखते हैं, यही मेन पार्ट है लिफ्टिंग कैपेसिटीज का। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो एक्सिस है, एक ये, यानी कि ये क्या है, तो ये सिंबल हमने देखा था उसमें कि रेडियस है। यानी कि लोड से, अगर लोड यहाँ क्रेन यहाँ पे है तो क्रेन की लोड से दूरी, इसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद जब यह कैपेसिटी इसमें निकाला जा रहा है तो उस समय क्रेन का आउटरिगर पूरी तरह से एक्सटेंड है। इसका सिंबल का मतलब ये हुआ, यानी कि आउटरिगर पूरी तरह से उसका निकला हुआ है, पूरी तरह से एक्सटेंड है। और इस समय आप क्रेन को किधर भी घुमा के, यानी कि 360 पे घुमा के किधर भी आप लोड उठा सकते हैं। और इसमें काउंटर वेट लगा हुआ है पीछे में, वो कितने का, तो आप देख रहे हैं ये पौंड में दिया हुआ है, तो इतने पौंड का काउंटर वेट लगा हुआ है। आप चाहें तो इसको लगभग हाफ करके इसका केजी में भी वजन निकाल सकते हैं और वो टन में हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह ट्रिपिंग लोड का 85% ही है ये सारे चीज़। यानी कि अगर ये 100 टन इसी कैपेसिटी है तो यहाँ पे 85 टन ही कंसीडर करके बनाया गया है, यानी कि 15 टन हमारे बैलेंस है हमारे हाथ में। तो इस लोड कैपेसिटी को देखने से पहले मैं पता होना चाहिए कि बूम लेंथ मैंने बताया कि जैसा ये क्रेन है और ये बूम है, ये बूम लेंथ होता है टोटल, और ये बूम की हाइट होती है ग्राउंड से, है ना, और ये क्रेन से और इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग अगर इसको ए माने और इसको बी माने और इसको सी माने तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी कोई दो मालूम है तो हम आसानी से तीसरा निकाल सकते हैं। तो ये तीनों आपको क्लियर रखना है। उसके बाद जो लोड उठाते हैं, सपोज ये लोड हमें उठाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सीलिंग चाहिए उठाने के लिए यहाँ पे। तो ये लोड उठाने के लिए हमें सीलिंग चाहिए, तो ये लोड के वेट को हम लोग बोलते हैं नेट वेट, ये है हमारा नेट वेट। और ये सीलिंग और इसके दोनों वेट को मिला के बनता है ग्रॉस वेट, और ये जो एक्स्ट्रा जो हम लगाते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं डिडक्शन, यानी कि उसे हमें माइनस करना है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस वेट इज इक्वल टू होता है नेट वेट प्लस डिडक्शन, ठीक है। तो हम जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी हम देख रहे हैं लोड चार्ट में, वह ग्रॉस वेट पे देख रहे हैं। ग्रॉस वेट कहने का मतलब ये है कि जितने भी इसके सपोर्टिंग लगेंगे, इसको उठाने के लिए जितने भी टूल्स और टैकल्स लगेंगे, उन सारे को कैलकुलेट करके ग्रॉस वेट पे हम लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी देख रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रेन के बारे में, क्रेन कैसे काम करता है। क्रेन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना काफ़ी ही आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको लीवर प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन में एक बीच में एक इस तरह का सपोर्ट देके हम लोग दोनों साइड बैठते थे, और बैठने से अगर दोनों साइड आदमी बराबर है तो मतलब ये बैलेंस रहेगा, या जिधर भी भारी रहेगा उधर ये नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी लीवर प्रिंसिपल पे ही काम करता है। जैसे अगर इस चीज़ को यहाँ पे पिन किया गया है तो ये काउंटर वेट है और ये वेट है ना, तो दोनों जब बराबर रहेगा तो बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उधर वो नीचे आएगा। यानी कि काउंटर वेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये लोड को लिफ्टिंग कर पाएगा। अगर लोड ज़्यादा हो गया और ये काउंटर वेट कम है, यानी कि लोड कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो ये क्रेन जो है पलट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, जिससे कि मूव हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एक्स फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि लोड दे रहे हैं, और ये हमारा काउंटर वेट है। अगर दोनों को बैलेंस करना है तो एक्स और इनटू ये वाली दूरी एक्स एक्स,
यानी कि x इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए y इंटू वाई वाई। ये दोनों अगर जब बराबर रहेगा तब जाके बैलेंस रहेगा। इसलिए अगर जिधर भी लोड लिफ्ट करना है वो हमेशा कम होना चाहिए, तभी जाके हम लोड को लिफ्ट कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक सिंपल लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आइए एक सिनेरियो को समझते हैं। एक हमने केस स्टडी किया है यहाँ पे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा लिफ्टिंग कैपेसिटी को समझने के लिए। एक लोड है जो कि पोजीशन वन पे रखा गया है और यहाँ पे लोड 100 टन है। ये जो लोड मैं बात कर रहा हूँ ये है ग्रॉस वेट, यानी कि लोड प्लस जो भी इसमें सीलिंग बेल्ट लगे हुए हैं उनको सबको मिला के है। ऐसा नहीं है कि ये उसको छोड़ के है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रॉस वेट पे ही देखेंगे। लोड डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेन, वहाँ से क्रेन से इसकी दूरी जो है 10 मीटर है। क्रेन से दूरी कहने का मतलब ये है कि उसके सेंटर पॉइंट से जहाँ पे उसका बूम पिन है वहाँ से। और उसके बाद हाइट ऑफ द लोड जो है यहाँ पे, यानी कि ज़मीन पर रखा गया है तो इसकी हाइट 0 मीटर है। तो अगर हम ये दोनों फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके निकालें, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का रूट कर दें, तो ये आएगा बूम लेंथ कितना होगा, तो बूम लेंथ तो 10 ही होगा, बट हम यहाँ बूम डाउन नहीं कर रहे हैं, ये बूम ऊपर करके ही हम क्रेन के हुक को लोअर करके उठा रहे हैं। तो वहाँ भी बूम लेंथ कितना होगा, 21, क्योंकि पूरे बूम को हम नीचे नहीं लाएंगे इस तरह से, पूरे यहाँ लोड है तो पूरे इस तरह से नहीं लाएंगे। तो ये है वहाँ पे 21 मीटर। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। और सेकेंड जो है जहाँ पे लोड को रखना है, तो लोड तो सेम रहेगा क्योंकि उसी लोड को उठा कर रखना है। और लोड डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेन है 10 मीटर, दूरी सेम है, बट यहाँ पे 0 मीटर पे समान था, यानी कि ग्राउंड लेवल पे था। अब इसको रखना है कितना पे, 30 मीटर पे। तो तीस मीटर पर रखना है और इस यहाँ पे बूम लेंथ जो हो जाएगा 31.62, यानी कि हम इसको निकाल रहे हैं जस्ट लाइक इस तरह से 10 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा बूम लेंथ। हमारा सिनेरियो फिक्स हो गया कि पोजीशन एन पे उठाना है, पोजीशन टू पे रखना है। अब हमको इसके लिए एक क्रेन चाहिए। तो हम क्रेन को डिसाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले उस क्रेन का लोड चार्ट को मंगाएंगे और लोड चार्ट मंगाने के बाद उसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि पोजीशन वन में हमारा 100 टन उठाने लायक है कि नहीं, या पोजीशन टू जहाँ पर रख रहे हैं उसमें 100 टन की कैपेसिटी है कि नहीं है। तो हम जनरली देख रहे हैं कि ये पास में है लोड और यहाँ पे दूर में रख रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी यहाँ चाहिए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ हो रहा है, मतलब दूरी बढ़ने से यहाँ पे, ज़्यादा दूरी होने से यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों को कंसिडर करेंगे। तो आइए लोड चार्ट में हम लोग देखते हैं। एक क्रेन है जिसको मैंने बताया हूँ वो 500 टन का है, तो वह इस लोड को उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला पोजीशन ये था, सेकंड पोजीशन ये था। तो आइए देखते हैं इस लोड चार्ट में ये लिफ्ट कर पाएगा नहीं। और वजन कितना था, 100 टन। तो फर्स्ट पोजीशन हमारा है, ये लोड को उठाने से पहले यहाँ पे दिया गया जैसे 16.1 to 84 मीटर का इसमें बूम है, इस बूम पे ही उठाया जा रहा है। आउट ट्रिगर फुली एक्सटेंड है, साथ में ये 360 डिग्री यानी कि किधर भी मूव करके ये सारे लोड उठा सकते हैं। इस पे काउंटर वेट 135 टन के लगे हुए हैं और साथ में ये क्रेन DIN और ISO स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है और इसकी कैपेसिटी जो है इसके अनुसार 85% ऑफ द ट्रिपिंग लोड पे ये बनाया गया है। 10 मीटर क्रेन से इसकी दूरी है, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन कम नहीं लेना है। और 21 मीटर जो है इसका बूम लेंथ था, यानी कि 21 मीटर कहाँ है, 21.3 है यहाँ पे। तो ये वाला सेफ है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, इससे कोई बात नहीं है। तो आइए दोनों को मैच कराते हैं, कहाँ मैच कर रहा है ये। इस पोजीशन में यहाँ पे कितना लोड लिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लोड लिफ्ट हो रहा है 138.8, यानी कि हमारा कैपेसिटी है वहाँ पे
138 हमको लिफ्ट करना है 100 टन, यानी कि सेफ है। अब हम सेकेंड पोजीशन जहाँ पे उठा के रखना है इस लोड को, वहाँ देख लेते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे दूरी तो सेम रहता है बट हाइट चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऊपर ले जाकर रखना है इस लोड को। तो ये सेम जाएगा बट यहाँ पे हमें हाइट देखना है, यानी कि 31.62 है या 31.7 है, तो ये लगता है परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये कितना उठा पा रहा है, 124, यानी कि जहाँ हमको उठाना है वहाँ 138 है और जहाँ हमें रखना है वो है 124, यानी कि ये सेफ है और हम इस क्रेन से इस लिफ्टिंग को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग लोड चार्ट में अपने किसी भी लोड को कहाँ उठाना है और कहाँ रखना है उसके पोजीशन के अनुसार उसको चेक करते हैं और पता करते हैं कि ये लोड लिफ्टिंग हो सकता है कि नहीं। इसीलिए लोड चार्ट की आवश्यकता होती है और उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी वहाँ पे चेक की जाती है। अब मैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन पे दिखा दूँ कि किस तरह का ये टेबल फॉर्मेट में रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में, इसमें आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑन द लफिंग लैटिस फ्लाई जीप भी लगे हुए हैं, साथ में घाइड टेलीस्कोपिक बूम और साथ में स्पेसर लगा हुआ है। तो ये इन सब लगने के बाद आप देख रहे हैं ना, ये सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे, तीनों यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी दूरी भी दी हुई है। तो ये लगने के बाद इसकी हाइट ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो उस पर अब क्या होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये उसका रेडियस है, ये उसका वहाँ पे 28 मीटर बूम लेंथ पे कितना उठाएगा, 25.6 टन की कैपेसिटी है। तो इस प्रकार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सिनेरियो देखना है कि ये क्या क्या इसमें लगे हुए हैं और क्या क्या कह रहा है। इसमें काउंटर वेट भी 165 टन के लगे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ यहाँ कह रहा है उतना करने के बाद अगर आप इस चार्ट में देखते हैं तो ये परफेक्टली काम करेगा। अभी मैं इस लोड चार्ट का एक क्विक लुक दिखा रहा हूँ जिसमें लगभग 76 पेजेस हैं। तो हर एक पेज में क्या क्या है आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जिसमें आप जो है इस चीज़ को देख पाएंगे कौन से किस पेज में मिलेगा। अगर आप इसको चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इस स्क्रीन का नाम डाल के, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बट यहाँ भी मैंने एक इसको क्विक लुक दिखाया है, अलग अलग क्रेन पोजीशन के अनुसार अलग अलग कम्बिनेशन के साथ इसमें दिए हुए हैं कि किस पे कितना लिफ्टिंग हो सकता है और उसके लिए एक टेबल बनाया हुआ है और इसमें इंजन वगैरह के बारे में सारे चीज़ बताए गए हैं और मैंने जो इसके पहले ही बताया वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे उनका भी नॉलेज बढ़े। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लाइक करें। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।